मा आई तो पूरी आले आले मैं खिला नारी नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज, जुर्म का पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ एसपी रावत और आज हमारी उपस्थिति महाराजगंज जनपद के निचलौल में है, जहां एक वीडियो काफी दिनों से इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहे हैं। आज हमारी मुलाकात नीलम वाल्मीकि से हुई है। जी हाँ, नीलम वाल्मीकि एक ऐसा चेहरा है जो इन दिनों इंस्टाग्राम पे काफी रन कर रहा है और जो भी वीडियो पोस्ट हो रहे हैं तत्काल वायरल भी हो रहा है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनका जर्नी लाइफ कैसा रहा है। तो सबसे पहले नीलम जी, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। सबसे पहले सबका नमस्ते और इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम नीलम वाल्मीकि है। जैसा कि कुछ दिनों पहले मैं आपका वो आईडी चेक किया इंस्टाग्राम पे, तो उस समय 288K दिखा रहा था फॉलोअर, लेकिन पता ये चला कि दो तीन दिन के बाद 300K आपके फॉलोअर हो गए हैं। यहाँ तक पहुँचने में कैसा जर्नी रहा आपका? मैं तो साल भर से वीडियो बना रही हूँ। पहले तो इतना अच्छा खासा लाइक नहीं आता था। मैं दिन दिन भर खाना पीना छोड़ छोड़ के बनाती थी। टोले महल्ले या चाहे कोई भी मुझे बहुत ताना मारते थे। मम्मी पापा भी सपोर्ट नहीं करते थे, गाली देते थे, बोलते थे, मारते थे। फिर भी मैं अपना हिम्मत नहीं छोड़ी, मैं बनाई और पब्लिक का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, तो मैं आज यहाँ तक आई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई लड़की घर से बाहर निकल कर कुछ करना चाहती है तो ये हमारा जो समाज है वह तरह तरह की चर्चाएं करता है, लेकिन अगर लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां आखिर क्यों नहीं कर सकती हैं? उसी की मैं बात करूंगा। जैसा कि नीलम वाल्मीकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हुए और यहां तक जब पहुंच गई, तो आप भी सोच सकते हैं कि दिक्कतों का कितना सामना करना पड़ रहा होगा। चूँकि हमारे देश में लड़कियों को दूसरे नज़रिया से देखा जाता है, माँ बाप फ्रीडम नहीं दे पाते हैं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया शुरू हो रही है, आज शहरों में देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ हम लोग बसे हुए हैं ये पिछड़ा क्षेत्र है और लड़कियों के लिए कुछ करना एक चुनौतीपूर्ण होता है। तो नीलम जी, आपने जब वीडियो पोस्ट करना शुरू किया तो आपके घर के लोगों का क्या रुझान रहा? मेरे पापा मम्मी तो बहुत बोलते थे, डांटते थे, बोलते थे तुम मत बनाओ, समाज हम लोग को कुछ ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, समाज में हम मुड़ी उठाने लायक नहीं रहेंगे। भैया भी बहुत बोलते थे, फिर भी मैं अपना हिम्मत नहीं छोड़ी, मैं बनाई और कोशिश करती रही। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक वाक्य कहा था, सेंटेंस था, पुबर्टी इज नो बार टू सक्सेस, मतलब निर्धनता सफलता को रोक नहीं सकती। वह पंक्ति चरितार्थ हो रहा है नीलम वाल्मीकि के ऊपर, जिन्होंने अपने एक अथक प्रयास से एक मुकाम हासिल किया है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इस जर्नी में और उसी संदर्भ में हमारी वार्ता भी हो रही है। तो आपने कब से वीडियो पोस्ट करना शुरू किया? साल भर से पहले। अच्छा, टोटल एक साल लगभग हो गए। उस समय क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? बहुत मुश्किल से मैं बना रही थी, कुर्सी पे रख के, मेज पे रख के, कोई पकड़ता भी नहीं था, सब कोई बोलते थे ऐसी है ऐसी है। मैं बहुत कुछ झेली हूँ अपने जीवन में, बहुत कुछ सही हूँ, तो लोग का प्यार मिलने लगा। एक पुदीना वाला गाना मेरा वीडियो वायरल हो गया, तब से हमको उम्मीद था कि पब्लिक का प्यार मिल रहा है तो मैं जरूर मेहनत करूंगी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि आप किस किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं, किस पे आईडी है आपकी? मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी है और यूट्यूब पे आईडी है, वो तो नया आईडी बनवाई हूँ। अच्छा, इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट करना ये कहाँ से आपने सीखा, किसको देख के आपने वीडियो बनाना शुरू किया?
मैं नहीं कुछ जानती थी, एक बगल की लड़की है वही हमको बताई कि नीलम तुम इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाओ और उस पर पैसा मिलता है तो तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी। मेरी मम्मी को फालिस मार दिया है, तो मेरा यही एक उम्मीद था कि मेरी मैं अपनी हिम्मत से अपनी बल से मैं अपनी मम्मी के इलाज कराऊँ दवा कराऊँ। तो मेरा एक ही मकसद है कि मैं उससे लिए मैं मेहनत करती थी, वीडियो बनाती थी कि मैं उससे पैसा पाऊंगी तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। मुझे जैसा कि आप देख सकते हैं इस बीच लड़की देखी मुझसे सीटी बजे हाथ से ताली। एक साल करीब हो गया और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे काम किया, इंस्टाग्राम के बारे में आपको जानकारी नहीं थी कि पैसे भी मिलते हैं। या रही बात सोशल मीडिया के जितने प्लेटफार्म हैं, पैसा सब पे मिलता है, किसी पे कम मिलता है, किसी पे अधिक मिलता है। और आजकल फेसबुक से भी लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत तो झेलना पड़ता है कमाने के लिए, पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है। नीलम वाल्मीकि का भी सपना है कि काफ़ी पैसा कमाऊंगी, माँ बाप के लिए कुछ करूंगी। अब देखना यह है कि कब तक इनके अकाउंट में बैलेंस आ रहा है। फिलहाल इंस्टाग्राम की हम बात करें तो इनका इंस्टाग्राम पे आईडी नीलम वाल्मीकि करके है और इनके जो फॉलोअर हैं 300K से ऊपर हो गए हैं, मतलब 3 लाख फॉलोअर हो गए हैं। और जैसा कि सबका सपना होता है पैसा कमाना, तो नीलम का भी सपना है कि पैसा कमाना और एक छोटे से परिवार से निकलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल YouTube, Facebook जो भी है सोशल प्लेटफार्म, काफ़ी लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन नीलम जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने डांस कहाँ से सीखा? मैं डांस मैं सीखी नहीं, मेरी मम्मी ने सिखाई है, क्योंकि मैं कहीं जाती थी शादी वादी में तो मेरी मम्मी बोलती थी बेटा डांस करो, तैसे कर करके मैं डांस सीखी हुई। मेरी मम्मी का देन है कि मैं आज डांस कर पा रही हूँ, इतना लोगों का प्यार और इतना लोगों का आशीर्वाद मैं पाई हूँ मेरी मम्मी का। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि लोगों का प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, कि मैं अपनी मम्मी को ठीक करा सकूँ और आगे जाऊँ। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि नीलम वाल्मीकि जो आज परिश्रम कर रही हैं तो उनका भी एक मकसद यही है कि पॉपुलैरिटी और पैसा, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको पॉपुलैरिटी और पैसे नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पैसे के मामले में कुछ अलग ही मामला है। इनका सोच ये है कि इनकी माता जी का तबीयत खराब रहता है और ये खूब सारा पैसा कमाना चाह रही हैं कि अपने मम्मी का इलाज करा सकें। भविष्य में क्या बनने का इरादा है? मैं तो मुझे इतना बड़ा कोई सपना नहीं है कि मैं बड़ी एक्टर बन जाऊं चाहे कुछ बन जाऊं, नहीं, मेरी बस एक ही मकसद है जो मेरी माँ हमें पैदा की है, जो पाल पोस के बड़ी की है, हर चीज़ हमको सिखाई है, उसको मैं ठीक करा सकूं, उसको अच्छी करा सकूं कि चार लोग देखे तो बोले हाँ बेटियाँ सच में जो बेटियाँ कर सकती है वो बेटा नहीं कर सकता है। अभी आप देख रहे थे इंडिया पावर न्यूज जुर्म का पर्दाफाश और हमारी बात हो रही थी नीलम वाल्मीकि जी से। नीलम जी आपको हमारे साथ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि जल्द से जल्द आपकी अर्निंग शुरू हो और माँ के लिए कुछ कर सकें और गरीबों के लिए, इस समाज के लिए आप कुछ कर सकें। तो हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ है, धन्यवाद। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।